नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल एंड कीपिंग सेफ। बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू वांट मोर लाइफ लेसन सच एज दिस, वी हैव ओपन्ड अ पर्सनल चैनल। सो द एकेडमिक लाइफ लेसन वील कीप ऑन पोस्टिंग द टीएलवाई टॉक सीरीज, द जनरल चिट चैट्स आर ऑन द पर्सनल चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड व्हेन आई से हायर लेवल, यू नो दीज आर द यूपीएससीज ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर द एसएससीज ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर द जुडिशरी एग्जामिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। कीवर्ड आप याद रखेंगे इन एग्जाम्स के लिए, साधना। अब आपको साधना क्या है? साधना में साधु वाधु की बात नहीं कर रहा कि आप धुनी लगाकर हवन करने शुरू कर दें, ना। साधना इज, आपने इसमें अपने आप को साधना है। एंड आई एम टॉकिंग टू दोज गाइज हु आर अनएबल टू स्टार्ट ऑफ और हु रियली डोंट नो हाउ डू यू बेसिकली approach these exams and what it takes, right? And you really don't know how to study. So this is how we study. और इसमें हमने साधना है, तो देखते हैं कि कैसे साधें। अब ये काम आसान नहीं है, because it is boring, पीछे से background music नहीं चलेगा। It requires a lot of monotonous stuff that you'll have to repeat over and over again for a period of at least 1 year, right? And that is why it is hard. It is known as hard work, correct? Why is it hard? क्योंकि पीछे से आएगा नहीं ना कोई, पीछे से आपका कोई काम कराने आएगा नहीं, ये पहाड़ आप ही ने चढ़ना है। चढ़ना कैसे? शुरुआत करते हैं, स्टेज वन पे आते हैं। इफ़ यू आर लाइक अप्रोचिंग दीज एग्जाम्स, सेट अ टाइमर इन योर फोन। फोन पे है, वन प्लस का फ़ोन है तो जेन मोड भी आता है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो वैसे टाइमर लगा के फ़ोन को आपको साइड में फेंकना पड़ेगा, फ़ोन नहीं शुरू हो सकता। इसलिए ये शर्त है इस रास्ते की, फ़ोन नहीं शुरू होगा। टाइमर इज एट 45 मिनट्स। कोई गाना, कोई संगीत नहीं बजेगा, राइट? आप अपनी सीट से, जिस भी जो भी चेयर आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, आप उससे हिल नहीं सकते। ये एक और शर्त है इस प्रोसेस की, और ये काम आपने 3 दिन करना है, सिर्फ सिर्फ 3 दिन ये काम करके देखिए। 45 मिनट ना कोई संगीत हो, ना कोई वीडियो हो, ना कोई किसी और से बातचीत हो, भले ही मौन में बैठ जाइए, लेकिन कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और दिस इज जस्ट बिगिनिंग, राइट? 45 मिनट पढ़ के देखिए, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़िए, चाहे जितनी मर्जी बोरिंग लगती हो। समझ लीजिए किसी ने पिस्तौल रखी हुई है सर के पीछे कि अगर तुमने फोन देखा या संगीत सुना या यूट्यूब पे गए या इंस्टाग्राम पे जाके जो लोग जो कर रहे हैं वहां पर वो देखा, तो गोली मार दूंगा। और बाय द वे ये होगा ऐसे ही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हायर लेवल पे हैं, तभी तो 100 में से मुश्किल से 2 का निकलता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ही इस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। ये सबके ख्वाब देखना बड़ा आसान है, कि शायद आपको ये बातें कड़वी भी लगे, आई रियली डोंट केयर, कि वो जी मेरे को जी वो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, है ना, मेरी सुंदर बीवी होगी, बड़ा मकान होगा, कोई शादी। उसके लिए ये प्रोसेस है, यही तो साधना है, और यही साधना से आप सिद्धि करेंगे तो आगे जाके पेपर निकलेगा। यू आर नो लेस देन अ स्पोर्ट्स पर्सन, द प्रोसेस इज क्वाइट पैरेलल एक्चुअली। यू आर नो लेस देन अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर नो लेस देन एन आर्मी मैन, यू आर नो लेस देन अ डेडिकेटेड तपस्वी। सारे के सारे सेम ही काम करते हैं, राइट? अगर हम किसी को ओलंपिक्स मेडल वगैरह देखें, तो जी ये तो ओलंपिक मेडल जीता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस थी, वो ये है, राइट? एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि प्रोसेस, ये आपको ये सिखाया गया होगा कि प्रोसेस का रास्ता ये है कि जी सीधी लाइन है ऊपर, ऐसा होता नहीं। प्रोसेस का रास्ता ये है, सर्कमएम्बुलेशन इसको कहते हैं। दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल यंग आल्सो, और यंग और व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज। सर्कमएम्बुलेशन में ये आपका रास्ता ऊपर जाने का, ये ऐसे जाता है। तो अगर आपको बहुत निराशा हो, अरे बहुत लोगों का तो सिर्फ स्टडी प्रोसेस चल रही है, शायद वो एक होगा 1000 में नॉर्मल लोगों का ये रास्ता है, और काफ़ी बार आप वापस स्लाइड भी कर जाते हैं, तो उसको रिकवर कैसे करना है? अब ये स्टेज पहले 3 दिन पूरे कीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, चाहे जीएस पढ़ रहे हैं, चाहे कोई बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, ये पूरे कीजिए, ये प्री रिक्विजिट है 3 दिन। अगले 3 दिन पे आते हैं स्टेज 2, 4th डे पे आप क्या करेंगे? आप टाइमर लगाएंगे आज 90 मिनट का। Now you're going to move on to the 90-minute stage. We are doubling your time. So from 45 minutes, we're going to 1.5 minutes. शर्तें सेम हैं, और ये सब करने के लिए एक बहुत दृढ़ निश्चय और संकल्प करके बैठिएगा, ये सीरियस मैटर है अगर एग्जाम निकालने हैं। नहीं तो वही वो कोचिंग वालों की तरह वही पी जी वी जी लेंगे, जीवन के 4-5 साल व्यर्थ कीजिएगा, एंड देन योर फैमिली विल स्टार्ट टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट यू।
That's the reality of life and it's going to hit you. Okay. 4 days into 3 days, again, 90 minutes. That is 1.5 hours. Now you start the process of dissecting the book. You start to establish a routine. For example, let us say, just hypothetically assuming that you have a book on polity and it contains 50 odd chapters, right? 50 chapters, can you not complete in 10 days at 5 chapters a day? Agar wo zyada hai 5 chapters a day, to very frankly, competitive exam ka syllabus to pura hi nahi ho payega. Bahut zyada time laga denge aap preparation mein aur tab tak exam ke pattern badal jate hain, tab tak question paper modify ho jate hain. Basically, you are running against a clock as well, right? तो आप उसको dissect करके अब आप एक routine बनाएंगे कि जी मैं कितने time में ये किताब पूरी करूँगा और मुझे करनी ही करनी है. आप बैठेंगे 90 मिनट, शर्त वही है, कोई संगीत नहीं चलेगा. उसका कारण क्या है? एग्जाम में कोई संगीत नहीं चलता ना. कोई पीछे से आपको हेडफोन तो दिए नहीं जाते कि आप अपने वो लोफाई मिक्सेस और आपके लास्ट सिगरेट वाले गाने चला लें, है ना? वो सब तो कुछ नहीं आएगा. इसीलिए वहाँ पे दिमाग चलना बंद हो जाता है और फिर सोचते हैं यार ये मेरे एग्जाम के बीच में यार गाने क्यों चल रहे हैं मेरे, क्योंकि उनको आदत है ना अपने हेडफोन डाल डाल के. यू हैव ट्रेंड योर माइंड टू प्ले अ सॉन्ग. Now when that instrument is not there, the mind automatically plays. It is pretty much as simple as that, right? Now 90 minutes shart same and no moving from the seat, because in the examination hall also you cannot move from the seat for 2 hours. So इसलिए अपना washroom सब बहाने बाजी मत करेगा, क्योंकि उस time याद आएंगे अरे मेरे नाखून थोड़े से बढ़ गए हैं, पहले जरा nails काट लेता हूँ फिर शुरू करूँगा बस अभी 15 minutes. और वो rounding off figure की भी बीमारी आएगी कि अगर 2:18 हो रहे हैं चलो अब 2:30 पे ही शुरू करूँगा. 2:30 होंगे मतलब ढाई होंगे तो आप 2:45 पे पहुंचेंगे, 2:45 होंगे तो आप 3 पे पहुंचेंगे. ये बीमारी से बच के रहिएगा, उसी टाइम बैठना है. ये डंडा मार सिचुएशन है, अपने आप को आपने साधना है तभी तो कठिन है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हार्ड, राइट? ये आप काम करेंगे 3 दिन. अब उसके बाद बच गया हफ्ते में 1 दिन, तो ये 6 दिन का तो आपका काम हो गया. पहले आप 3 दिन और 45 से ही शुरू कीजिएगा. ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं कि पहले दिन 10 घंटे बैठ गए, अगले दिन द साइकिल से वेल यू नो बगर ऑफ, राइट? और इन रॉक स्टार व्हाट डिड रणबीर कपूर कैरेक्टर से बर्गर ऑफ, राइट? भाग जाएंगे, आप खुद ही भाग जाएंगे, आपके अंतरात्मा वहां से भाग जाएंगे, भाई ये नहीं करूंगा. इसीलिए छोटे से शुरुआत करेंगे, 45 मिनट से 90 पे आए, 6 दिन, 1 दिन आप रिवाइज करेंगे जो आपने काम किया और ब्रेक देंगे अपने आप को. उस दिन खेलिए अपनी पबजी, आजकल तो खैर चलती नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे, या आपके पास प्ले स्टेशन हो, एक्सबॉक्स हो, कुछ भी हो, जो भी आप करते हैं, या टैबलेटें हों, खेलिए आराम से, काम करिए, संगीत सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगले दिन अब वी कम टू स्टेज 3, एंड दिस बेसिकली यू विल हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ. आप 2 घंटे से काम करना शुरू करेंगे, 45 से शुरू करा था, 1 हफ्ता पूरा हुआ, अब आप 2 घंटे इंटू 4 दिन करेंगे, क्योंकि 3 दिन को हमने आगे यहाँ से भी बढ़ाना है. 4 दिन आप यहाँ पे काम करेंगे, समझ में आई बात? 4 दिन आप करेंगे, उसके बाद अगले 3 दिन, इस हफ्ते आपके पास कोई ब्रेक व्रेक नहीं है. ब्रेक आएगी 8वें दिन आएगी, लेकिन पिछली बार 7वें दिन आई थी, ऐसे 8वें दिन आएगी. अगले 3 दिन आप 2.5 घंटे पढ़ेंगे. शर्त वही है, ना संगीत होगा, ना वीडियो गेम होगी, ना फोन होगा, ना इंस्टाग्राम होगा, ना ट्विटर होगा, ना फेसबुक होगा, और ना यूट्यूब होगा. कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे. अगेन सीट से नहीं हिलेंगे, कुछ भी हो जाए. अच्छा, कोई अब आजकल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वीडियो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें एक नया नियम लगा कि वो कोई और ब्राउजर टैब नहीं खोलेंगे. जो वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा करेंगे, राइट? बिकॉज आर अटेंशन स्पैन्स दीज डेज आर लेस देन अ गोल्ड फिश, घूमते ही रहते हैं एक्वेरियम के अंदर. फिर कहते हैं पेपर नहीं क्लियर हुआ, कैसे होना था? नहीं होना था, हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता. तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पे हर एक सीट पे 50 आदमी खड़ा है और आपने उनको बीट करके आके जाना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा. एंड सम ऑफ देम आर बेटर देन यू एट डूइंग दिस, सो वेल माइट एज वेल एक्सेप्ट इट एंड देन फर्दर योर प्रोग्रेस. अब इसके अंदर ये भी होगा, ये इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है. आपको शायद लगेगा ये ऐसे में इंप्रूव कर लूँगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा. एक्सेप्ट दिस, कि एक्सपेक्ट दिस रादर, नॉट एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट दिस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट दिस इज द प्रोसेस. एंड यहाँ पे आप स्लाइड भी कर जाएंगे, लेकिन अपने आप को उठा के आगे आप ही ने बढ़ना है. कोई नहीं आएगा, ना आपका कोचिंग वाला आएगा, ना आपके मेंटर वही आएंगे, ना आपका कोई दोस्त आएगा, ना आपकी कोई सखी आएगी, कोई नहीं आएगा, आप ही को करना है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हार्ड. तो आप फॉर्मूले पे आएंगे, आप एक रूटीन बना लेंगे, इस चीज़ को ट्राई आउट करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा. आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे, जिम 1 बार जाते हैं,
एक ही बार हमने कर्ल किया तो क्या बाइसेप बन जाती है, एक ही बार हमने अपनी बेंच प्रेस करी तो क्या हमारी चेस्ट बन जाती है? नहीं, रेपिटेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, टेक्स अ लॉट ऑफ स्वेट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, राइट, टू बिल्ड अ फिजिक. एवरी थिंग इज साधना. अपने आप को साधेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, उसके बजाय फिर कुछ और तो छोड़ेंगे ही ना, तो क्या निकलेगा आगे? सिद्धि निकलेगी, फिजिक बनेगी, इस केस में एग्जाम क्लियर होंगे, नंबर ऊपर जाएंगे, और क्या है, यही जीवन है. अब आप कहेंगे लाइफ इज वेरी अनफेयर. हाँ बिल्कुल, आपको किसने कहा था लाइफ इज फेयर? कौन सी किताब में लिखा है लाइफ इज अनफेयर? एक्सेप्ट इट. रूटीन, रिपीट, कॉन्सिस्टेंसी. एक दिन से काम करने से नहीं होगा कि एक दिन मैंने 15 घंटे कर लिया, बाकी 5 दिन में आया नहीं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं यार वो तो 3-3 घंटे मैंने स्प्लिट करे, ऐसा कुछ नहीं है. कॉन्सिस्टेंसी, राइट. जो आदमी कॉन्टिन्यूस चलते रहता है वो ही आगे निकलता है. ये नहीं कि अभी आप 2 दिन पहले दौड़ लिए, उसके बाद 5 दिन आराम कर रहे हैं, वो जो पीछे जो आपसे आधा भी चलते हुए आ रहा होगा वो आगे निकल जाएगा. कॉन्सिस्टेंसी, राइट. डिसिप्लिन, और राधा डिसिप्लिन के साथ डेडलाइन के लिए एक्चुअली मैंने लिखा था, मुझे डिसिप्लिन याद आ गया, डी से हमेशा डिसिप्लिन याद आता. डेडलाइंस, पुट अ डेडलाइन. आई किड यू नॉट, डेडलाइंस आर वेरी वेरी यूजफुल. डेडलाइन में अब आप कहेंगे मैं तो सारा टाइम, मेरी तो कभी डेडलाइन मीट ही नहीं होती. होगी, 70% में भी अगर हो जाए, 60% भी आपका काम हो जाए, दैट्स वे बेटर देन जीरो. आई विल टेक अ 60 or 70 आउट ऑफ 100 रादर देन जीरो एनी गॉडडैम गिवन डे. एंड इफ यू नॉट वर्किंग विद डेडलाइंस बडी, इवन इफ यू क्लियर द एग्जाम, यू विल बी लाइक डेड इन योर डिपार्टमेंट इन विच यू आर पोस्टेड, और द कार्डर दैट यू गेट, you'll be screwed because there are deadlines there as well. And schedule yourself. So schedule यही है. आपने ये सब कर लिया on a consistent basis, आपने hard work, work तो आपने कर लिया, वो जो hard वाला element था वो भी आप करने पड़ गया. You are just like a sports person. Remember, medals are not, you know, the match isn't exactly won on the field. The match, rather, no, match तो चली छोड़ी, that's a separate story. But अगर जहाँ पे आप standalone compete कर रहे हैं किसी के साथ में, the examination is cleared on your study table, it's not cleared in the examination hall. पीछे जितना effort कर कर आएंगे, जितना ये सब काम कर कर आएंगे, उतना ही आगे result निकलेगा. उसके अलावा देखिए, इसके अलावा कोई चाहे कोई जादू की झप्पी नहीं मिलेगी, कोई आपको कि जी ये लीजिए मैजिक सिरप और आज आपका काम हो जाए, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, राइट. लाइफ इज अनफेयर. आर्मी वाले भी तो यही करते हैं एक्चुअली. अगर आप देखिएगा दैट पीपल हु आर सेलिब्रेटेड, like Bruce Lee is there, like Jackie Chan, whatever, you know, they have pretty much mastered their own humanity. I'm not talking about these guys specifically, but generally, any aspect of their own humanity, they're able to control themselves, right? But sadhu ka bhi to yahi jeevan hota hai. Sadhu mein kya kar raha hota hai? Sadhu kisko raha hai? Kaun si sadhana kar raha hai? Apne aap ko hi to sadh raha hai. Ye bhi sadhana hi hai. Usme usko mantra siddhi milegi. Isme aapko aapki seat mil jayegi. It's as simple as that. और अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा आप हाई लेवल लॉ एंट्रेंसेस या जुडिशरी या यूपीएससी के पेपर क्लियर कर पाएंगे, सॉरी नहीं होने वाला. फिर आपको वो अल्टरनेट इलीगल रूट, जो कि आपको भी पता है मुझे भी पता है, हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं बट ऑन अ वेरी लेस बेसिस, यूज़ करने पड़ेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें आपके सिर्फ पैसे जाएंगे और कुछ आपका होना वाना है नहीं. सो रिमेंबर दिस प्रोसेस, रिमेंबर दीज डिस्कशंस. इफ़ यू वॉन्ट मोर सच स्टफ एज आई हैव सेड, then you can hop on over to the second channel, because यहाँ पे TLOI वाले चैनल पे ज़्यादातर हम जीवन के ज्ञान की बातें इतनी ज़्यादा कर नहीं सकते. These are all academic related stuff, so you know, well, we are here. ठीक है जी, hope you've liked this, then well, great, right, wishing you all the best, keep safe, and see you in the next one, take care, bye.